श्री गणेशाय नमो नमः। मित्रों, स्वागत है आपका अनोखा संगम चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं पंचांग के विषय में। पंचांग का ज्योतिष शास्त्र में बहुत ही महत्व माना गया है। पंचांग ज्योतिष के पांच अंगों का मेल है। इसमें तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण की जानकारी विशेष रूप से दी जाती है। इसकी मदद से हम दिन का शुभ या अशुभ होना तय करते हैं और अपने दिन के कार्यक्रम को शुभ समय में करने का प्रयास करते हैं। आज के पंचांग में इन सभी की विस्तृत जानकारी और सटीक जानकारी के साथ साथ आज का शुभ समय अभिजीत मुहूर्त, अशुभ समय राहु काल और आज के दिन और रात का चौघड़िया और आने वाले दिनों के व्रत और त्योहारों के बारे में भी बताने का प्रयास कर रहे हैं। आशा है कि ये जानकारी आप सबको अच्छी लगेगी। आइए जानते हैं आज का शुभ पंचांग। पंचांग से पहले आज का सुविचार, हमेशा दूसरों की सफलता पर ध्यान देने से बेहतर है कि अपनी सफलता पर ध्यान देकर उसे और भी बेहतर बनाना। आज की तारीख 10 फरवरी 2023, आज का वार शुक्रवार। आज फाल्गुन माह का चौथा दिवस है। फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी 7:58 सुबह तक रहने वाली है। तदुपरांत पंचमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। आज का नक्षत्र हस्त 12:18 मध्य रात्रि तक रहेगा। इसके बाद चित्रा नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। आइए जानते हैं आज के हस्त नक्षत्र के बारे में। जिन व्यक्तियों के नाम अक्षर पू, श, ण और ठ से शुरू होते हैं, ऐसे लोग हस्त नक्षत्र वाले होते हैं। इनकी राशि होती है कन्या और राशि स्वामी बुध। तत्व की बात करें तो पृथ्वी तत्व से संबंध रखते हैं। गण इनका रहता है देव, नाड़ी आदि, नक्षत्र देवता सूर्य और स्वभाव से क्षिप्र होते हैं। आज का पहला कर्ण बालव 7:58 सुबह तक रहेगा। आज का दूसरा कर्ण कोलव 8:36 शाम तक रहने वाला है। आज के सूर्योदय का समय है 7:04 सुबह। सूर्यास्त का समय रहेगा 6:07 शाम को। आज चंद्रोदय का समय है 10:13 रात्रि को और चंद्रास्त 9:37 सुबह पर होगा। आज चंद्रमा कन्या राशि में विराजमान है और सूर्य मकर राशि में विराजमान है। आज का सूर्य नक्षत्र है धनिष्ठा नक्षत्र। आज का योग धृति 4:45 शाम तक रहेगा। इसके बाद शूल योग प्रारंभ हो जाएगा। आइए जानते हैं धृति योग के बारे में। किसी स्थान, किसी भवन का शिलान्यास, भूमि पूजन, नीम पत्थर रखने के लिए धृति योग को उत्तम माना गया है। इस योग में रखा गया नीम पत्थर आजीवन सुख सुविधाएं देता है। अर्थात यदि रहने के लिए किसी घर का शिलान्यास इस योग में किया जाए तो इंसान उस घर में रहकर सब प्रकार की सुख सुविधाएं प्राप्त करता हुआ आनंदमय जीवन व्यतीत करता है। आज की दिशा शूल है पश्चिम दिशा। आज पश्चिम दिशा की ओर यात्रा करना शुभ नहीं है। यदि बहुत ही आवश्यक हो यात्रा करना तब दही, शक्कर, जौ अथवा राई खा करके यात्रा के लिए जाना चाहिए। आज का शुभ समय आज का अभिजीत मुहूर्त 12:13 दोपहर से 12:58 दोपहर तक रहने वाला है। आज विजय मुहूर्त का समय रहेगा 2:26 दोपहर से 3:10 तक। ब्रह्म मुहूर्त की बात करें तो 5:20 सुबह से 6:12 सुबह तक ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा। आज का अशुभ समय आज का राहु काल 11:13 से 12:35 दोपहर तक रहने वाला है। आज यमगण काल का समय रहेगा 3:21 दोपहर से 4:44 शाम तक। राहु काल और यमगण काल दोनों ही अशुभ समय है, इसलिए इन समय के दौरान किसी भी प्रकार का शुभ कार्य, मांगलिक कार्य अथवा नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। आज के शुभ योगों में से अमृत कालम योग 5:50 शाम से 7:34 शाम तक रहेगा। आने वाले व्रत और त्योहारों की सूची में 12 तारीख रविवार को यशोदा जयंती, 13 तारीख सोमवार को शबरी जयंती, कालाष्टमी, कुंभ संक्रांति होगी, 14 तारीख मंगलवार को जानकी जयंती और वैलेंटाइन डे होगा,
15 तारीख बुधवार को महर्षि दयानंद सरस्वती जयंती, 16 तारीख गुरुवार को विजय एकादशी का व्रत होगा। आइए जानते हैं आज के दिन का चौघड़िया। आज चर समय 7:05 सुबह से 8:28 तक रहेगा। लाभ समय 8:28 सुबह से 9:50 तक रहेगा। अमृत समय 9:50 से 11:13 तक रहने वाला है। शुभ समय 12:35 दोपहर से 1:58 तक रहेगा। चर समय 4:42 शाम से 6:06 शाम तक चर समय रहेगा। आज रात्रि के चौघड़िये में लाभ समय 9:21 से 10:58 रात्रि तक रहने वाला है। शुभ समय 12:35 मध्य रात्रि से 2:12 अगले दिन सुबह तक रहेगा। अमृत समय 2:12 से 3:49 अगले दिन सुबह तक होगा और चर समय अर्थात सामान्य समय 3:49 अगले दिन सुबह से 5:27 अगले दिन सुबह तक होगा। मित्रों, ये था आज का शुभ पंचांग। आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए अपडेट नए वीडियो के साथ। तब तक देखते रहें अनोखा संगम चैनल और इसे ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।